राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई। शर्लिन ने अपने बयान में राजकुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, शर्लिन चोपड़ा ऐप और शिल्पा के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। गौरतलब है कि शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ FIR भी की थी। राज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और निचली अदालत ने उन्हें 28 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक लीडिंग वेबसाइट के मुताबिक शर्लिन ने मुंबई क्राइम ब्रांच में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि कुंद्रा ने उनके घर पर उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उन्होंने अप्रैल 2021 में कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। शर्लिन ने कहा कि कुंद्रा 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद बिना बताए उनके घर आए थे। उनके बार बार मना करने के बाद भी वह उन्हें जबरदस्ती किस करने लगे थे। शर्लिन ने कहा कि थोड़ी देर बाद वह कुंद्रा को धक्का देने में कामयाब रही और वॉशरूम जाकर खुद को बंद कर दिया। वह वहीं रही जब तक वह घर से नहीं चले गए। शर्लिन ने कहा कि वह फन के लिए एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती थी। कुंद्रा ने उनसे कहा था कि शिल्पा शेट्टी के साथ उनके संबंध जटिल हैं और वह घर पर ज़्यादातर समय तनाव में रहते हैं। शर्लिन के शिकायत पर पुलिस ने IPC के धारा 376, 384, 415, 420, 504, 506, 354 ए, बी, डी, धारा 509 और IT एक्ट के धारा 67 और 67A के अलावा वीमन एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया। अपनी शिकायत में शर्लिन चोपड़ा ने 27 मार्च 2019 की घटना का जिक्र किया है। इससे पहले शर्लिन ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले कुंद्रा ही हैं। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई थी कि जब 23 जुलाई को क्राइम ब्रांच की टीम कुंद्रा और शिल्पा के घर पहुंची थी तो शिल्पा कुंद्रा पर बुरी तरह से भड़की थी। पुलिस के साथ ही कुंद्रा भी वहां पहुंचे थे और शिल्पा गुस्से में उन पर चीख पड़ी थी। शिल्पा ने गुस्से में कहा था, आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। शिल्पा ने कुंद्रा से कहा कि उन्होंने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने कुंद्रा और शिल्पा के घर पर छापेमारी की। इसे लेकर शिल्पा का बयान भी दर्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि कुंद्रा पोर्न फिल्म रैकेट के मास्टरमाइंड है, जबकि उनके वकीलों और शिल्पा ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दावा किया है कि कुंद्रा इरोटिक फिल्में बनाते थे, न कि पोर्न फिल्में। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड से लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहें माई बॉलीवुड के साथ।